कश्मीर फाइल्स हर तरफ से इसी मौजू पर चर्चा हो रही है। कई दिनों से बॉलीवुड की इस मूवी को लेकर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और अभी भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। हमने सोचा था कि इस मौजू पर हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन कई टेलीफोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए और नाज़रीन के इसरार के बाद फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की आज के एपिसोड में हम भी इस मौजू पर बात करेंगे। लेकिन अपना तज़िया आपके सामने रखने से पहले एक मरतबा फिर हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन। जम्मू कश्मीर को हर लिहाज से न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि बरसगीर में सियासी बाजार में बेचा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मौजू को, जम्मू कश्मीर के कन्फ्लिक्ट को न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि हमारे मुल्क की हर रियासत में सियासी मंडियों में इसे फरोख्त किया जाता है और हर सियासी जमात, चाहे उनका जम्मू कश्मीर के साथ कोई भी राबता या वास्ता ना हो, वो भी अपनी सियासत में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ज़रूर शामिल किए हुए हैं। चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की जमात हो, शिवसेना हो या आम आदमी पार्टी हो। लेकिन अब एक नई बात सामने देखने को मिल रही है। सियासत तो ठीक है, अब बॉलीवुड भी जम्मू कश्मीर के कन्फ्लिक्ट को बेचता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी फिल्में जम्मू कश्मीर को लेकर के बनी हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा क्या था कि कश्मीर फाइल्स नाम से जो फिल्म जम्मू कश्मीर को लेकर के बनी वो चर्चाओं में है। बॉलीवुड का प्रोड्यूसर जब भी कोई फिल्म बनाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ मुद्दा और मकसद ये होता है कि वो इससे कितना पैसा कमा सके। और हम सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई फिल्म बनती है वो एक कहानी होती है, एक फिक्शन होता है, उसमें सच्चाई कहीं दूर दूर तक नहीं होती है। उस फिल्म में कुछ इस तरह के किरदार, कुछ इस तरह की कहानियाँ होती हैं जो कभी कभार इंसान को लगता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता, लेकिन वो एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए इंसान फिल्म ज़रूर देखता है। ठीक उसी तरीके से जहां कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा फिल्में आज तक बनी हैं, कश्मीर फाइल्स नाम की एक फिल्म भी विवेक अग्निहोत्री ने तैयार की। लेकिन आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था कि इस फिल्म पर हर तरफ से चर्चाएं हो रही हैं, आज हम फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की इस एपिसोड में इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई फिल्म बनती है तो प्रोड्यूसर सबसे पहले फिल्म तैयार होने के बाद उसकी प्रमोशन का काम करते हैं और उसकी प्रमोशन के लिए बड़े से बड़े अदाकार को, बड़े से बड़ा गुलूकार या बड़े से बड़ा कॉमेडियन उस फिल्म की प्रमोशन के लिए हायर किया जाता है। और जब वो फिल्म की प्रमोशन करते हैं तो लोगों में भी उस फिल्म को देखने की चाहत बढ़ जाती है। ठीक उसी तरीके से जब हम अक्सर जो कमर्शियल एड्स हम देखते हैं उसमें, चाहे किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, जब बड़े से बड़ा कोई फिल्मी सितारा या बड़े से बड़ा कोई क्रिकेट स्टार आकर के उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करता है तो लोगों में भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करने की चाहत बढ़ती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम बीकाजी की बात करें तो अमिताभ बच्चन जब बीकाजी की ऐड लेकर के आते हैं तो कहते हैं कि अमित जी लव्स बीकाजी, तो मुल्क में अमिताभ बच्चन को पसंद करने वाले करोड़ों लोग बीकाजी खाने का तजुर्बा ज़रूर करते हैं, यानी वो भी बीकाजी को खाना पसंद करते हैं। ठीक उसी तरीके से सलमान खान जब एस्ट्रल पाइप्स की ऐड लेकर के आते हैं तो बहुत सारे लोग जो घर तामीर कर रहे हैं वो एस्ट्रल पाइप्स ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं चूँकि इस प्रोडक्ट की प्रमोशन सलमान खान कर रहे हैं तो यकीनन ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। भले ही सलमान खान के घर में एस्ट्रल की पाइप्स ना भी लगी हों, लेकिन लोग सलमान खान को फॉलो करके एस्ट्रल की पाइप ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे भले ही अमिताभ बच्चन खुद बीकाजी ना खाते हों, लेकिन उनको चाहने वाले करोड़ों लोग अमिताभ बच्चन के कहने पर बीकाजी ज़रूर खाते हैं। और जब कश्मीर फाइल्स बनी तो उसकी प्रमोशन का काम किसी फिल्म अदाकार ने नहीं किया, उसकी प्रमोशन का काम किसी क्रिकेट स्टार ने नहीं किया, उसकी प्रमोशन का काम किसी कॉमेडियन ने नहीं किया, उसकी प्रमोशन का काम हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उस फिल्म की प्रमोशन का काम भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़ा नेता करता है और उस फिल्म की प्रमोशन का काम हमारे मुल्क की कई रियासतों के वजीर आला करते हैं। तो ये फिल्म चर्चे में आखिर क्यों ना हो। जब देश के प्रधानमंत्री लोगों को ये कहते हैं कि फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, ये फिल्म बहुत अच्छी है, सदाकत पर मबनी है, जब कई सारी रियासतों में इस फिल्म पर टैक्स माफ़ किया जाता है तो यकीनन लोगों में इस फिल्म को देखने के लिए चाहत बढ़ जाती है। अब देखना यह है कि इस फिल्म की प्रमोशन का काम आखिर प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडर क्यों कर रहे हैं।
मैंने बजात खुद ये फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है उनसे भी यही सुनने और जानने को मिला है कि इस फिल्म में नफरत का सामान भरा पड़ा है। इस फिल्म में एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि नफरत, आपसी इख्तलाफात और कश्मीर मसले को लेकर एक तरफा नज़रिया सामने रखा गया है, जो उस सियासी जमात को सूट करता है जिसका काम ही नफरत फैलाना है। इस फिल्म में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई ज़्यादती को इस तरह से बयान किया गया है, कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि कश्मीर में पंडित बरादरी के अलावा जो भी लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए पूरे मुल्क में गम गुस्सा कूट कूट कर भरा जा सकता है। और हमने अक्सर देखा कि फिल्म देखकर जब भी कोई शख्स बाहर आता है उसके तेवर, उसके बयान कुछ इस तरह से हैं कि लगता है इस फिल्म ने नफरतों की दीवारें खड़ी कर दी हैं। अगर कानून के नुक्ते निगाह से देखें तो दो कम्युनिटीज़ के बीच में नफरत फैलाना, उनके बीच में नफरत की दीवार खड़ी करना एक कानूनन अपराध है, और इस फिल्म में कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। बताया जाता है कि फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से कश्मीरी पंडित पर जुल्म हुआ और उन्हें कश्मीर घाटी से भागना पड़ा। ये बात सच है और इसमें कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता कि वाकई में कश्मीरी पंडित कश्मीर वादी से भागने पर मजबूर किए गए थे। वाकई में हज़ारों लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडित ने अपने घर छोड़े और उन्होंने जम्मू और दीगर मुकाम पर पनाह ली, और यह भी हकीकत है कि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था और मजबूर होकर वो लोग अपने घरों से निकल आए। कोई भी इंसान अपने घर, अपने घर बार, अपने इलाके, अपने मोहल्ले को छोड़ना पसंद नहीं करता जब तक ना हालात उसे मजबूर करते हैं, और कश्मीरी पंडित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालात से मजबूर उन लोगों ने जम्मू में और दीगर मुकामात में पनाह ली, और इस मामले को अब तकरीबन 30 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, और अब वक्त ऐसा आ चुका था कि किसी तरीके से इन जख्मों पर मरहम लगाया जाए और कश्मीरी पंडित की कश्मीर वादी में वापसी को मुमकिन बनाया जा सके। उन्हें हर तरह की सहूलियात, उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएँ, उन्हें तहफ़ुज़ दिया जाए ताकि वो बआसानी से और हंसी खुशी से अपने घरों को वापस लौट आएँ। लेकिन 30 साल के बाद एक ऐसी फिल्म सामने आती है जिसने इन जख्म पर मरहम लगाने के बजाय उन्हें और खुरेद करके हरा और ताज़ा कर दिया। और ऐसे में कश्मीरी पंडित की वापसी को लेकर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर फिल्में इस तरीके से जख्मों को खुरेद खुरेद कर उन्हें ताज़ा करेंगी तो मैं समझता हूँ ऐसी फिल्मों पर पाबंदी आयद करनी चाहिए, लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि इन फिल्मों को हमारे देश के प्रधानमंत्री समेत बड़े लोग प्रमोट कर रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित के इर्द गिर्द घूम रही है, जबकि कश्मीर वादी के अंदर जो बाकी हालात पैदा हुए, जो बाकी लोगों को तकालीफ का सामना करना पड़ा, उन्हें इस फिल्म में कोई जगह नहीं दी गई थी। एक तरफा कहानी सामने रख करके ये साफ लगता है कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ नफरत की दीवारें खड़ी करने के लिए बनाई गई है। हकीकत तो कुछ और है। हकीकत यह भी है कि जहाँ कश्मीरी पंडित के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, उन्हें घर बार छोड़ना पड़ा, वहीं कश्मीर में रहने वाला हर शख्स, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है या किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला है, वो बंदूकों के साए में, डर और खौफ में अपनी ज़िंदगी जिया है और उसने बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम सहा है। लेकिन आखिर फिल्म सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर क्यों बनाई गई, इस सवाल का जवाब हर एक शख्स के पास है। कश्मीर में 1989 में पुलिस ऑफिसर पर हमला होता है जो सबसे पहला हमला माना जाता है, और उस हमले में जो पुलिस ऑफिसर विक्टिम बना उसका नाम अली मोहम्मद बटाली था। और उसके बाद जहां सिविलियन किलिंग्स की बात की जा रही है, कश्मीर में 1989 में ही 21 अगस्त को जो पहली सिविलियन किलिंग हुई और जो शख्स उस किलिंग में मारा गया उसका नाम मोहम्मद यूसुफ हलवाई था। यानी ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि कश्मीर घाटी के अंदर किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं बनाया गया था। असल में जो कश्मीर घाटी के अंदर या इस वक्त भी जो तनाव, जो जंग चल रही है, वो वहाँ मिलिटेंट्स का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक जंग थी जो आज भी जारी है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल लोग ही विक्टिम बने। वो पॉलिटिकल लोग जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स करते थे, जो हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान एक पुल का काम करते थे, सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को विक्टिम बनाया गया। बहुत सारे सियासी वर्कर मारे गए, बहुत सारे सियासी लीडर मारे गए, लेकिन कोई फिल्म उन पर आज तक नहीं बनी। मसेकर्स हुए, उनमें सिख समुदाय के लोग मारे गए, मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए, कश्मीरी पंडित भी मारे गए, लेकिन फिल्म सिर्फ एक समुदाय पर क्यों? और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हाल ही में नवंबर के महीने में, नवंबर 2021 में, एक आरटीए एक्टिविस्ट एक आरटीए फाइल करते हैं, पीपी कपूर नाम से एक शख्स हैं, जिन्होंने कश्मीर
में किलिंग्स के हवाले से एक आरटीआई फाइल की और उन्हें जो आरटीआई का जवाब मिलता है 27 नवंबर 2021 को इस आरटीआई का जवाब मिलता है और उस जवाब में इंतजामिया ये कहती है कि 1999 से लेकर आज तक 89 कश्मीरी पंडित मारे गए हैं जबकि 1635 मुसलमान इन मुख्तलिफ वारदातों में मारे गए हैं। तो फिर ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जाता था या एक समुदाय के साथ जुल्म हुआ, ये कहाँ की सच्चाई है। कश्मीर में जुल्म हुआ, उसमें कश्मीरी पंडित भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, हर धर्म के लोग हैं, लेकिन फिल्म एक समुदाय को लेकर बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरीके से दो तबकों के बीच में, दो फिरकों के बीच में नफरत की दीवारें खड़ी की जाएं। कश्मीर फाइल्स फिल्म अच्छा मुनाफा कर रही है, एक अग्निहोत्री इस फिल्म से बहुत ज़्यादा आमदनी हासिल कर रहे हैं, तो क्या ये आमदनी कश्मीरी पंडित की वेलफेयर पर लगाई जाएगी? क्या ये आमदनी कश्मीरी पंडित की वापसी को यकीनी बनाने के लिए सर्व की जाएगी? क्या ये आमदनी उन जख्मों पर मलहम लगाने का काम करेगी? जी नहीं, ये आमदनी विवेक अग्निहोत्री की जेब में जाएगी, उनकी तिजोरी में जाएगी। वो फिल्म बनाएंगे और फिल्म को प्रमोट करने वाले लोग जो नफरत की सियासत करते हैं वो इस फिल्म से अपनी सियासत को मज़ीद चमकाने में कामयाब होंगे और लोगों के बीच में नफरत की दीवारें खड़ी होंगी और जख्म एक मरतबा फिर हरे होंगे। तो आखिर में हम यही कहेंगे कि कश्मीर फाइल्स फिल्म हमने तो नहीं देखी है, अगर आपने देखी होगी तो आप खुद अपनी जगह इसका तज्जिया लगाएं और आप अपनी जगह इन सवालात का जवाब ढूंढें कि आखिर इस मौजू पर फिल्म क्यों बनाई गई और इस मौजू पर बनाई गई फिल्म के लिए इतनी बड़े लेवल पर प्रमोशन क्यों हुई, उसे टैक्स फ्री क्यों कर दिया गया, ये कौन सी ऐसी तारीख है जो हमारी आने वाली नस्लों को हमारी सरकार दोहराना चाहती है, उनके जहनों में हमेशा हमेशा के लिए इन काले दिनों को तरोताज़ा रखना चाहती है। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हम नए मौजू के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, आप जुड़े रहे द बोल्ड वॉइस के साथ।